असला वेलकम बैक टू फरस लाइफ आई होप के सभी खैरियत से ही फिट एंड फाइन ही अलहमदल हमें भी एकदम खैरियत से ही मजे में ही अल्लाह ताला के एहसान से तो फ्रेंड्स आज का जो मैं व्लॉग है जुमा के दिन स्टार्ट कर रही हूँ तो आज है जुमा तो जुमा के दिन नमाज के बाद में स्टार्ट कर रही हूँ तो इधर हमें बना रही सिरे का खोरमा तो मैं जल्दी जल्दी इसकी रेसिपी तुम्हारे सबके साथ शेयर करती हूँ तो इधर हमें ले कोफ कप जो है वरीक कटे हुए कोकोनट ले को ही, तो, तो जो है, हमें टोमेटोज ले को ही और इधर फाइव टू सिक्स जो है हमें अनियंस ले को ही और इधर वन एंड हाफ कप जो है हमें इधर क्या बोलते हैं इसे ियन लीव्स लेको ले, को ही, जो है, ले को ही, जल्दी जल्दी में जो है बात करने की जब प्रॉपर uh, वर्ड्स जो है हम ना नहीं मिलते बात करने तो इधर हमें ले को ही सिरा मटन का जो सिरा है हमें अच्छे, इसे, इसे अच्छे से वॉश कर ले वॉश कर को इधर हमें इसे रख डाली तो uh, इसके बाद जो है हमें इधर uh, जो कुछ भी दूसरा जो प्रिपेयर जो मसाला है वो उसकी रेसिपी सॉरी रेसिपी नहीं जो मसाला है उसके इंग्रेडिएंट्स तो मैं सबको दिखाती हूँ तो इधर हमें लेको ही दो बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट लेको ही और जो अनियन है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है लीव्स नहीं उसे हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे उसकी प्यूरी बना लेंगे तो मीन जो है मैं इधर हमें एक कुकर रख डाले कुकर रख को इसे जो है इसका इसके अंदर जो है थोड़ा थोड़ा वाटर है तो हमें उसे जो है ड्राई होने रखेंगे तो इधर हमारा जो ग्रीन मसाला है वो भी रेडी है तो अब इधर जो अनियन कट कर रही तो ये हमें अनियंस डालेंगे ये हमें अनियंस लेको छोटे छोटे अनियंस थे तो हमें इसे दो ले को ही तो ये हमें फ्राई करने जब हमें मसाला ऐड करती तो अब हमें इसे फ्राई करेंगे बगाड़ देंगे तो इधर हमारा जो कुकर है वो अच्छे से हीट होगा तो अब हमें इसमें ऑयल ऐड करेंगे ऑयल जो हमें ले को ही फाइव टू सिक्स जो खाने के बड़े चम्मच ही वो वत्ते डालेंगे जो हमारा जब हमारा ऑयल जो है हीट हो जाता है तब हमें जो हमारे अनियंस कट कर को रखे थे वो ऐड कर लेंगे और उसे अच्छे से जो है ब्राउन होने देंगे ब्राउन होने के बाद जो है हमें इसका प्रोसीजर भी आगे दिखाती हूँ तो पहले हमें हमारे ऑनियन जो है अच्छे से ब्राउन कर लेंगे इसे अच्छे से गिला को स्टर कर को जो है हमें इसे अच्छे से ब्राउन कर लेंगे तो तुमने सबको मैं तब तक ये बोलना चाहती हूँ Uh, की मुझे मैसेजेस आ रही हैं कि मेरी बात जो है मैं बहुत अच्छी से बात करती हूँ और मेरी बात करने का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो जो है बहुत ज्यादा क्यूट है तो ये सब कुछ जो है जो मेरी नॉर्मल जो लैंग्वेज है मैं उसमें बात करती हूँ तो ये सब कुछ तुम ना इतना अच्छा दिख रहा है बिकॉज तुम्हे इतने अच्छे ही तो तुम्हारी अच्छाई से जब तुम्हें अच्छे रहती तो दूसरों की अच्छाई तुम ना दिखती है तो मैं तुम ना सबको जो है बिग थैंक्स बोलना चाहती हूँ आई सात सपोर्ट करते रहो थैंक यू फॉर एवरीथिंग या um, आप yeah, तो हमें हमारी रेसिपी के पास जाएंगे जो हमें मसाला जो ग्रीन मसाला ग्राइंड कर को रखे थे प्यूरी बना कर रखे थे तो हमें वो ऐड कर लेंगे जब हमारी अनियन जो है ग्रीन हो जाती है तब हमें हमारा जो मसाला है वो ऐड कर लेंगे वो ऐड करने के बाद मैं इधर वन टेबल स्पून ऑफ कोरियंडो पाउडर डाल रही हूँ धनिया पाउडर वन टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर रेड चिली रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ उसके बाद जो है मैं इधर हल्दी भी ऐड करी टर्मरिक पाउडर वन टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक हाफ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे वन टेबल स्पून बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसे अच्छे से हमें फ्राई कर लेंगे जो हमारा मसाला रहता है जो मसाले की वो जो खुशबू रहती है वो खत्म होने तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करेंगे फ्राई करने के बाद जो हमें मटन का जो सिरा रखो थे वो इसमें से इसमें अच्छे से अच्छे से कुछ भी नहीं इसमें ऐड कर लेंगे ऐड करने के बाद जो है हमें जब हमें जो कुछ भी हमें चिकन बना रही मटन बना रही बीफ बना रही या फिर जो कुछ भी बना रही तो हमें उसके ऊपर जब भी हमें सॉल्ट डालती हूँ वो सॉल्ट का जो अच्छा जो टेस्ट रहता है वो अच्छे से जो चिकन जो कुछ भी हमें बना रही उसे अच्छे से मैरिनेट जैसा अच्छे से लग जाता है तो अब हमें इधर सीरा डालने के बाद जो है हमें सॉल्ट टू टेस्ट जो है हमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे उसके बाद जो है हमें इधर और ये अच्छे से मसाले में जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इधर कोकोनट भी ग्राइंड करके को दाले में वो तुम शूट करनी भूल गई तो इधर हमें कोकोनट भी जो है अच्छे से उसकी बना बनाकर उसमें ऐड कर थे तो इसके बाद जो हमें टमेटोज रखे थे वो भी ऐड कर लेंगे वो ऐड करने के बाद जो है इधर वो सुई की भाजी आती है तो इसे अच्छे से हमें अच्छे से चॉप कर लेंगे चॉप करने के बाद जो अब जब ये हमारा जो कोरमा रहता है जब अच्छे से जैसा बॉईल तुम ना वीडियो में दिख रहा है अच्छे से जब बॉईल होते रहता है तब तो हमारी जो स्वीक की भाजी है उसे अच्छे से बारीकी से जो है नाइसली चॉप करके हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो ये सिरे का जो कोरमा है वो अम्मी बना रही Uh, मैं जस्ट शूट कर रही हूँ और थोड़ी हेल्प भी करी इनको है uh, तो इधर अच्छे से तो मैं देख रही हमें जो सुई की भाजी रहती है ईजिली uh, हमें मार्केट में अवेलेबल रहती है तो हमें वो ले को जो है इसे अच्छे से चॉप कर लेंगे चॉप बारीकी से काट को इसमें ऐड कर लेंगे ऐड कर को इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे uh, तो मैं तुम्हारा उधर बोली चिकन में जब भी भी हमें जो कुछ भी बनाती मीट के ऊपर जो कुछ भी हमें, हमें सॉल्ट ऐड करती तो वो जो है अम्मी का नुस्खा तो अम्मी बोलती हैं कि जब भी हमें मीट ऐड करती है उसके ऊपर हमें सॉल्ट डालने से जो टेस्ट है और भी ज्यादा एनहेंस होता है तो इधर हमें कुकर जो है अच्छे से क्लोज करा लेंगे कुकर का लिड जो है अच्छे से क्लोज करने के बाद हम हमेंगे सीटी लगा लेंगे सीटी जो है ऑलमोस्ट ऑलरेडी लक को है ऑलमोस्ट ऑलरेडी जो है लक को है सीटी तो साइड पर से हमारा जो राइस है वो भी कुक हो रहा है तो अब हमें वेट करेंगे जब तक के जो हमारे सीटी ही जब तक हमारे सीटी ही वो आ जाती है हमें वेट करेंगे तो इधर हमें सीटी को वेट करेंगे और तब तक जो है मैं इधर ये इंजॉय करती हूँ तो हमारे सीटी जो है इट डिपेंड्स के तुम्हें कितना सीटी तुम्हारा जो सिरा है कैसा है नरम है या फिर घट है तो इसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कितने सीटी देना तो हमें इधर दिए फाइव सीटी एंड इट्स रेडी तो देखो इधर फाइनल लुक जो हमारे सीरे का कौरमे का जो फाइनल लुक है यहाँ तुम्हें सभी देख सकती इसकी जो खुशबू बहुत ज्यादा अमेजिंग आले को थी बहुत ज्यादा जो खुशबू से ही जो है इतनी ज्यादा भूख लगने को थी मैं क्या बोलूँ और ये जो टेस्ट भी है इतना ज्यादा मजे का बनकर था मैं क्या बोलूँ तो तुम्हें भी जो है जल्दी जल्दी से ये रेसिपी को फॉलो करो जल्दी जल्दी से, से बनाओ खाओ और खुश रहो ये हमारा वे ऑफ कुकिंग है तो तुम्हें से भी कैसा सिरे का जो कौरमा है तुम्हें से भी कैसा बनाती मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में जरूर से बोलो तो इसके साथ जो है हमें आ, सेवियां जो है ऑर्डर कर डाले थे तो इसके साथ वो भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है ऐसा डाडा बोलती तो इसके साथ जो है हमें सेवियां ऑर्डर कर डाले थे तो उसके साथ भी खाए और राइस के साथ भी बहुत ज्यादा अमेजिंग और टेस्टी रहती तो तुम्हें भी जल्दी जल्दी जो है इसे बनाओ खाओ खिलाओ तो या आज का ब्लॉग अभी एंड नहीं हुआ तो ये जो है सेविया तो इसमें जो है बहुत ज्यादा टेस्टी रहती है ऐसा डाडा बोलती लेकिन मैं भी एक टेस्ट करी नॉट बैड अच्छा था लेकिन जो राइस में जो टेस्ट था बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा था mm. तो आ, आज का जो है आ, मेरा लंच का जो एंड होता है तो लेमन टी से होता है तो ये सब कुछ होने का होने के बाद जो है हमें बाहर आए वॉकिंग को आए तो साथ साथ जो है इधर नारियल पानी भी जो है एंजॉय कर रही नारियल पानी पीने के वास्ते स्पेशली जो है हमें वॉकिंग को आए वैसे तो वॉकिंग जाको वन वीक हो रहा है ऑलमोस्ट वन वीक हो रहा है तो आज फिर से मौका मिला तो हमें बाहर निकले वैसे ही जो है साथ साथ जो है हमें नारियल पानी भी इधर एंजॉय कर रही तो इसके बाद जो है हमें घर जाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करे फिर असर की नमाज हुई उसके बाद जो है हमारा स्नैक टाइम होगा था तो स्नैक टाइम में मेरे फेवरेट जो है मैं इधर जो सैंडविच सैंडविच है वो बनाई वो बनाने के बाद जो है मैं इधर मेरा स्नैक टाइम एन्जॉय कर रही हूँ और साथ साथ जो है मैं यहाँ आज का जो वीडियो है वो एंड करी आई होप कि सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को लाइक करो एंड डो नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल तो अपने सबके दुआओं में याद रखो खुश रहो खुश रखो एंड अल्लाह हाफि